नमस्कार, सत श्री अकाल सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल कामना क्रिएटिव पर स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। जी हाँ, ये वही आटे का हलवा है जो हम सभी ने कभी ना कभी गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में खाया है। तो चलिए आज यही बनाते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक कटोरी मोटा पिसा हुआ आटा जिसमें चोकर ना निकला हो, और एक कटोरी चीनी, एक कटोरी घी, 3.5 कटोरी पानी। हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और अब इसमें 3.5 कटोरी नाप कर पानी हम ले लेंगे। दो, तीन और ये 3.5। ये 3.5 कटोरी पानी हमने चाशनी के लिए लिया है। अब हम ये चीनी इसमें घुलने के लिए डाल देंगे। हमने अब फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा दी है और ये घी जो है सारा का सारा हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब जो ये आटा है वो आटा हम घी में डाल देंगे। और अच्छी तरह भूनेंगे, इसे ब्राउन होने तक हमें भूनना है। अगर अच्छी तरह आटा नहीं भुनेगा तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। ये हमारा आटा देखिए अच्छी तरह भून गया है। तो हमने जो चीनी पानी में घोली थी अब वो हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर निकल के आया है। दूर से करेंगे इसको और सारी चाशनी इसमें मिला देंगे और अब इसे पकाएंगे। इसे अब थोड़ी देर चलाएंगे और हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए किनारों से घी छोड़ दिया है हलवे ने, इसका मतलब कि हमारा हलवा एकदम रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि हम चाशनी बनाकर इसमें ऐड करें, हम डायरेक्ट भी चीनी ऐड कर सकते हैं, फिर पानी ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम इस हलवे को बना सकते हैं। अब हमारा हलवा रेडी है और हम इसे अब सर्व करेंगे। आटे का हलवा तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, एकदम टेस्टी बना है। और वैसे तो इस हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं डलते, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप ड्राई फ्रूट डाल भी सकते हैं। हलवे को गरम गरम सर्व करें। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।